अल्लाह ने रिजा फरमाया इल्ला कभी आयु ना, अल्लाह ने फरमा कमली वाले तो मेरी अखियां दे बेच वसना है। फरिश्तिया ने अर्ज की थी अल्लाह ओते तेरी अखियां च बस दे तू किथे वसना है। मेरे आका फरमाया फरिश्तियो आजो मेरा दिल चीर के देख लो के ओदी निगाह च मेरे सिवा कोई नहीं, मेरे दिल विच ओदे सिवा कोई। जब अल्लाह ने फरमाने सोने तो मेरिया अखियां दे विच वसना है ते कारी खिजर साहब फरिश्ते सियाल भी बरादर रौला पा के आखे या अल्लाह ओ ते तेरिया अखियां दे विच वसदा ते तू किथे वसना है। होर आसान कर देवा कारी साहब, कोई महबूब होवे ना लाडला जिया ते मुहिब महबूब नु आखे ना मैं तू तेरे नाल प्यार है ते ओ कहंदा मैं नहीं मानदा तेनू मेरे नाल प्यार है ते मुहिब कहंदा मैं तेनू कदे दिल चीर के विखावा ना लग पता जावे मैं तेरे नाल किन्ना को प्यार है। मैं दिल चीर आला हजरत फरमाते सन मेरा दिल चीर के दो टुकड़े करो, एक ते अल्लाह लिखे आवेगा ते एक ते मुहम्मद लिखे आवेगा। मुहिब कहंदा मेरे महबूबा मैं कदे दिल चीर के वखावा ना ते तेनू लग पता जावे मैनू तेरे नाल किन्ना को प्यार है। अल्लाह ने रिजा फरमाया इल्ला कभी आयु ना, अल्लाह ने फरमा कमली वाले तो मेरी अखियां दे विच वसना है। फरिश्तिया ने अर्ज की थी अल्लाह ओते तेरी अखियां च बस दे तू किथे वसना है। मेरे आका फरमाया फरिश्तियो आजो मेरा दिल चीर के देख लो के ओदी निगाह च मेरे सिवा कोई नहीं, मेरे दिल विच ओदे सिवा कोई। सारा कुछ सुना के जावा। अगर मैं दे ते कुरान दी आयत पेश करा ते वक्त दरकार है, मगर हुन मैं तुहाडे वाली तकरीर करा अजे तक मैं अपना रांझा राजी पिया करदा सां। पहले पीरे बाहू को लेदा तर्जमा ना करवा देवा जड़ी मैं बहस कीती है। क्या बात है, बात सुभान अल्लाह। ए ओदियां अखियां च वसदा है ते ओ एदे दिल च वसदा है। ओदी अख विच एदे सिवा कोई नहीं ते एदे दिल विच ओदे सिवा कोई नहीं। पीरे बाहू ने ए ए वेखन वखान ते अखियां दा तज़करा किवें फरमाया, आ फरमा देने ए तन मेरा अखियां हो ते मैं मुर्शिद वेखना रजा लू दे मुड लख लख चश्मा हिक खोला हिक कजावा हूक नवा डिठिया मैनू सबर नयावे और कि दे भजावा मुर्शिद ए दीदार मेरा काम मिल पाहो मैनू लख करोड़ा हजा। या ते बड़ साहब स्पीकर नेड़े कर लो। हाँ जी बड़ साहब या ते स्पीकर यार करीब करा लो ते या कुछ सोचो या इन्हां नूं मेरे वल कर। बिल्कुल सेटिंग बड़ी खराब है, इधर वाला मेरे वाल कर लो बड़ साहब जरा मेहरबानी। ए भी बेटे जरा मेरे वाल कर दे सोने, बस ठीक चलो मुड़ वापस आ जाओ सारे। सुभान अल्लाह फरमाओ ते चलिए भाई। फतह मक्का दा दिहाड़ा ते मेरे नबी काबे दा तवाफ कर रहे, 10,000 सहाबा मेरे नबी ना तवाफ काबा कर रहे,
काफिरां दा एक नौजवान जिहदा नाम है फुज़ाला बिन उमैर, उन्हूं ख्याल आया कि अज रश बड़ा ही ते होवे ना ते माज़ल्ला मुहम्मद नूं कतल कर दे, मां पता ही नहीं चलना किन्ने मारे। नौजवान तवाफ करदा करदा खंजर लैके जदों मेरे नबी दे करीब आया ना ते इस तरह करके खंजर दा हमला करन लगा ना ते मेरे नबी दी निगाह उहदे चेहरे ते पै गई। हुण सियाल शरीफ दे मन्नण वालिओ, जिहदे चेहरे ते पै जाए मेरे नबी दी निगाह, जामियुल मौजदात ते चांदा है कि एक दिन अबू जाल दा पुत्र इकरमा मक्के दी गली चा रहा थे, इधर हजूर जा रहे, उधर ओदी निगाह उठी, इधर हजूर दी निगाह उठी, ते अखियां चार होईयां ना ते दिल आ गया, इकरमा दा दिल आ गया, अदर हुक उठी दौड़ जा, अकल आखे दौड़ जा, ते इश्क आखे मैं आ जावां, ते दौड़न नहीं देंदा। इकरमा हुण मक्के दी गली च दौड़दा जा रहा, ते लोगां नूं कहिंदा हट जाओ रस्ता दिओ, लोग कहिंदे ने इकरमा क्यों पिया दौड़ना है, ते कह लगा अब्बा जांदी वारी कह गया सी पुत्रो मरनो मर जाई पर तेरे ते किधरे मुहम्मद दी निगाह ना पै जाए, पर अज मेरे ते मुहम्मद दी निगाह पै गई है। नौजवान इकरमा टुरिया टुरिया अपने बुतखाने आया, अपने बुत दे कदम फड़ के कहन लगा मिले रब्बा मैनू बचा ले, अज मेरे ते मुहम्मद दी निगाह पै गई है, कमली वाले दा नाम आया पुत जमीन ते डेके दो टुकड़े हो गया, ते पुत विच आवाज आई तेनु कौन बचावे तेरे ते मुहम्मद दी निगाह पै गई है। इकरमा बुत खाने च निकलिया, टुरिया टुरिया दरिया दे किनारे आया, दरिया दे किनारे खलो के मुड़ के कहन लगा मुहम्मद मर जावांगा, मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ना। नौजवानों ने दरिया विच छलांग मारी, दरिया दियां लहरां चुके बार सटिया, उन्हें दूसरी बारी छलांग मारी, दरिया दियां लहरां चुके बार सटिया, उन्हें तीसरी बारी छलांग मारी, दरिया दियां लहरां चुके बार सटिया, दरिया वल वेख के कहन लगा मैनू मारदा क्यों नहीं, लहरां च आवाज आई तेनू कौन मारे, तेरे ते मुहम्मद दी निगाह पै गई है, ते जिन्ना ते मुहम्मद दी निगाह पै जाए ओ ते मरदे ही नहीं, कबरां च भी जिउंदे ही रहिंदे, ओ कदों मरदे ने जिन्ना ते निगाह मुहम्मद अरबी दी पै जावे, ओ कदों मरदे ने जिन्ना ते निगाह मुहम्मद दी पै जाए। ऐ सियालवी बैठे ने ते मैं गल सियालवियां दी सुना देवां, गोलड़े दा ताजदार चिश्तियां दा इमाम हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोलड़वी चिश्ती निजामी सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, अंजमन मेहरिया नसीरिया ये सारे चिश्ती बैठे ने विच, मैं ही नक्शबंदी, ये ज़ौक वाले भाई असी बेज़ौक, नक्शबंदी माशाला ये ज़ौक वाले लोग ने भाई असी बेज़ौक है, पर माशाला पीर मेहर अली शाह साहब एक दिन ना फजर की नमाज पढ़ के गोलड़े दे रेलवे स्टेशन से सुबह सुबह मॉर्निंग वाक कर रहे, सैर कर रहे, नाल तस्वीर पढ़ते जा रहे, अंग्रेज का दौरे हुकूमत, एक अंग्रेज बंदूक लैके शिकार कर निकलिया, उन्हें पहली बार तस्वीर वेखी ना, तो पीर मेहर अली शाह साहब की तस्वीर पकड़ के कहता बाबा जी एक ही है, आप उसकी बंदूक इशारा करके फरमाते ने एक ही है, वो अंग्रेज कहता बाबा जी यह मेरा हथियार है, आप तस्वीर विखा के परमात्मा ने ए मेरा हथियार है, वो अंग्रेज कहंदा बाबा जी इतना की कर दे हो, आप उदी बंदूक वाले इशारा करके फरमाते ने तुसी इतना की कर दे हो, अंग्रेज कहंदा मैं करके दिखा देना, सामने दरख्त ते परिंदा चहचहा रहा, अंग्रेज ने निशाना लेके गोली चला दी, गोली परिंदे दे सीने विच जा लगी, परिंदा फड़फड़ा के जमीन ते डिगे मर गया, अंग्रेज कहन लगा बाबा जी मैं इहदे नाल इह करना वा, आप तस्वीर पढ़ते पढ़ते मुर्दा परिंदे दे कोल गए, परिंदे नूं तस्वीर लगाई, परिंदा उड़ के जाके दरख्त ते बह गया, फरमाया मैं इहदे नाल इह करना, फरमाया मैं भी इहदे नाल इह करना वा, औलिया अल्लाह ला यमूतून वलाकिन यंतकिलून मिन दारिल फना इला दारिल बका, कौन कहता है कि मोमिन मर गए कैद से छूटे वो अपने घर गए, ओ नहीं मरते, ओ जिन्ना ते निगाह मुहम्मद अरबी दी पै जावे
वह मरते नहीं वो ठोकर मार के मुर्दा ही जिंदा करी जाते तो निगाह पै गई मेरे नबी दी उस नौजवान फुजाला बिन उमैर दे चेहरे ते इधर मेरे नबी दी निगाह दे चेहरे ते पई ते अख अख विच पा के तकिया सु मेरे दिल दे कर गया सौ टुकड़े ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलियो सदके जावां ठंडी जी सुभान अल्लाह तू कई बेली करूं सलाह करके आते ने मौलवी टिल ला ले मैं नहीं बोलना जेडे बगैर सलाह दे आयो वह बोलो सुभान अल्लाह हाथों बंदा चुकदा जिन्हों पता हुए मैं जिंदा भी हाँ तो जागदा भी मैं सरकार दे जो दे जागदे दीवाने ना गल करनी भाई अजय मैं शुरू होया अजय मैं शुरू होया भी नहीं हो रहा वा उन्होंने रंग उड़ गया लगता असी सब फजर पढ़ा के जाना नहीं नहीं मैं जल्दी जान छड़ देवांगा बंदे फिर मैं उत्थे लगना होंदा भाई तुसी कर सब जाके आराम फरमाओ रिजवी साहब उठो तुम आराम फरमाओ मैं इन्हां नूं आरे ला के रखना तुसी आराम फरमाओ चल के बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला जी तवज्जो है मेरे वल भाई सारे दी मेरे नबी दी निगाह दे चेहरे ते पई ते खंजर गिर गया ते जिस्म कपकपा रहा नबी करीम मुस्कुरा के फरमाया फजाला पुत्र किधर इतना फरमा के मेरे नबी ने अपना यदुल्ला वाला हाथ फुजाला दे सीने ते रखिया तवज्जो है मेरे वाल सारे दी मेरे नबी ने अपना हाथ फुजाला दे सीने ते रखिया उदे हाथ रब अपने हाथ आखे होवे काफिर जड़ा वखे आखे ते जिदे सीने ते रख देवे मेरा नबी हाथ ए शरकपुर शरीफ है ना ताजदारे शरकपुर हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह असर दी नमाज पढ़ के कारी साहब आप मुसल्ले ते बैठे आपका एक मुरीद अपना पुत्र लेके आया तो कहन लगा बाबा जी मेरे पुत्र का नाम फतेह मुहम्मद है ये नमाज नहीं पढ़ता हाफिज़ कुरान है इन्हों समझाओ मियाँ शेरे रबानी फरमाते हैं फतेह मुहम्मद पुत्र नमाज क्यों नहीं पढ़ता कहन लगा बाबा जी मेरा ना नमाज च दिल नहीं लगता मेरा दिल कई बेलियां का नहीं भी लगता हजरत मुफ्ती अहमद यार का नेमी गुजराती रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब मैं दौरा हदीस करने वास्ते बरेली शरीफ गया ना हजरत मुहद्दस एक छोछवी ने मैं अर्ज की हजूर बचपन च अर्ज की हजूर मैं नमाज पढ़ना मैं मजा नहीं आता फरमाते ने पढ़ता है ना अर्ज की पढ़ना मजा नहीं आता फरमा तेन फिर डबल सवाब होता है हजूर किमें फरमा जी नमाज मजा आवे तो मजे ही पढ़ी जाता है तेन मजा नहीं आता फिर भी पढ़ी जाना तू तो रब ही पढ़ना है ना वड्डे लोगों दी गल्लां वड्डे वेखाया हुण तैनू की वेखां ते जिहड़े वेखणन मुहम्मद नू ओह कदों किसे होर नू वेखदे ओह जिहड़े वेख ही मुहम्मद नू लैण अल्लाह दी यराक अल्लाह ने फरमाया मैं ओ रब आ जिहड़ा तकदा ही तेरे वल रहिंदा है उच्चा बोलो सुभान अल्लाह मैं मौजू औखा नहीं शुरू कीता मैं गल वेखण वखाण दी कर रहा बस ते जिहड़े वेख लैण ओहनू ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਲੈ ਚੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਸਭ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਾਨਪੁਰ ਵਾਲਿਓ ਇੰਨੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਣੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਵਖਾਣ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਮਿਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਲੁੱਟ ਖੜਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਬਾਈ ਖਾਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਓ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੇ ਤੇ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ
हैदरी साहब ए इंज करके ना सिद्दीक अकबर ने हिजरत दी वारी रात गारे सोर च इस तरह करके ना ते अपनी गोदी नु इस तरह करके ना ते आखे महबूब आओ ना जरा मेरी गोदी च आराम करो इंज ना कमा जिवें खानपुर दे बच्चे सवेरे कुरान पढ़न आंदे ना कारी साहब दे कोल ते बच्चे रेल विच रख के जिवें कुरान नहीं पढ़दे हिजरत दी रात सिद्दीक ने गोदी दी बना ली रेल ते विच रख लिया कुरान वाला कर दे की मेरे वाल वेख्या जे फिर बात ही समझ आनी सिद्दीक ने विच रखे ना महबूब नू ते ए सुभान अल्लाह वाजीबा मैं केड़ा रंग देवा सिद्दीक वेखी जा रहे नाले कहंदे ने अज रज रज वेखो अखियो अज रज रज वेखो अखियो नी मुड़ आना जाना किस्मत दा ते जे बा अल्फाज दीगर कवा सिद्दीक कहंदे होणगे चुक मीम दा परदा मुखड़े तू चुक मीम दा परदा मुखड़े तू दिल दीद बिना ना रजदा होए क्यों ना चाह होवे तेनु वेखन दा सवाब तक बरी हजदा क्यों ना चाह होवे तेनु वेखन दा सवाब इतना सवाब अकबरी हजदा है मेरे बाबा जी ताजदारे चूरा चली परमाते ने सी हज करन गए ते पाकिस्तान दी एक वडेरी जी पेंडू जी माई साढ़े नाल चली गई ओ माई जदो काबे दा तवाफ करे ना ते हजरे अस्वद दे सामने आवे ते माई करे सुभान अल्लाह इस्तेलाम करके आखे वे रब्बा बख्श दे चंगा रह जाएगा फिर चक्कर लगा के आवे ते हजरे अस्वद दे सामने आके कहे रब्बा बख्श दे चंगा रह जाएगा फिर तवाफ करे ते आखे रब्बा बख्श दे चंगा रह जाएगा आप फरमाते हैं जदों सारे अरकान अदा कर ले ते अस आखे अम्मा इन्नी दूर तू अल्लाह ने तेनों अपने घर बुलाया है ते ओदे वेड़े च खलो के ओनू ही धमकियां लगाई जानी है ते ना बख्शे ते की कर लवेगी ते माई रो पई ते रो के कहन लगी मैं की कर लेना है मैं ते उंज पई रब नूं कहनी आ इत्थे ही बख्श दे चंगा रह जाएगा नहीं ते मैं मदीने टुट जाणा है उत्थे ते वादा कीता इन्ना सोहणिया जेड़े तेरे भूवे आ गए असा फिर उन्हां वल ते नहीं ना वेखना असा ते माइया फिर तेरे वाली वेखना है गिरामी कदर हजरात पता लग गया काबे दा बड़ा मुकाम है पर हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो मैं केड़ा रंग देवा इस सवाब तो अकबरी हज दा है ए सिद्दीक इंज वेख रहे ते याद रो थले सप ते ओ डंग मार के आखे मैनू भी वेखन दे गल जू वेखन दी मज कर रहे हैं भाई ए ए ए इत्थे गोदी च रख के वेख रहे कि आख्या चलो गार च लै जा कल्ला ही जाके वेखांगा ते ओ सप डंग मार के की आखे मैनू भी वेखन दे सिद्दीक होर एड़ी नूं दबांदे ने सप होर डंक मार के कहंदा मैनू भी वेखन दे सिद्दीक होर दबांदे ने ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਦੀਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਟ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੇ ਗੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਰਾਹ ਪੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਇਧਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ मैं पहली बार जब मदीना तैयब आ गया ना नारोबाल दे मेरे एक दोस्त अल्लामा ओवैसी साहब मैनू कह लगे आसी साहेब आओ मैं तुहानू एक जियारत करावा के लियावा ओ मैनू मदीना तैयबा दियां पुरानियां गलियां च लै गए एक मुकाम ते मैनू खड़ा करके कह लगे आसी साहब आओ जगह है जिथे खलो के हिजरत वाली रात मदीने वाले नबी पाक दा इंतजार करदे सन
उस मुकाम का नाम सनियतुल वदा। मैं उन्हें पूछा कि हजरत जी ये मदीने वाले इत्थे खलो के इंतजार क्यों करते सन? वो कह लगे असी साहेब दरअसल ये मदीना तैयबा च उस दौर सब तो उची ते बुलंद जगह सी, इत्थे खलो के ना वो जिहड़ा रस्ता मक्के तो मदीने वाल आउंदा सी ना उस राह ते बड़ी दूर तक नजर आउंदा सी। मैं उत्थे खलो के जदों दूर तक वेख्या ना ते मैनू इश्क दी रमज दी समझ आ गई कि आ जिन्हां नूं किसे माहे दीआं उड़ीकां होण ना, और जिन्हां नूं किसे सोहणे दी सिक होवे, जिन्हां नूं तांग होवे किसे महबूब दी, और जिन्हां नूं सदर होवे ना किसे महबूब दी, वह फिर नीवें होके नहीं उच्ची होके ना ते वेखदे ने ते अड्डियां चुक के पब्बां पार होर उच्चे हो जांदे ने। किधरों दूरों यार नजरी आ जाए, कहते दूरों यार कि नजरी आ जाए। रबे काबा की कसम खानपुर वाले हो जिन्होंने किसी माहे की उड़ीक सिख ते तांग ते सदर ते उड़ीक ते इंतजार होवे ना, दरवाजा हवा नाल बिखड़ के तो उन्होंने इंज लगता जिम्मे माही आया है। गुजरात जाइए ना, उ एक दरबार है बाबा कावा वाली सरकार, हजरत बाबा करम इलाही सरकार अल मरूफ बाबा कावा वाली सरकार। सारी जिंदगी बाबे कावा नाल प्यार किया, अज भी दरबार से जाके वेखो, अज भी तुहानू दरबार से कव्वे नजर आवणगे। इतने कव्वे तुसा जिंदगी च कदे कट्ठे नहीं वेखे होणगे जिन्हें बाबा कावा वाली सरकार के दरबार से अज भी कां आउंदे ने। किसे पुछिया हजूर कोई तोते पालदा है, कोई चिड़िया पालदा है, कोई कबूतर पालदा है, कोई मोर पालदा है, लोग सोहणे सोहणे परिंदे पालदे ने। एक काले रंग का कां, ना इहदी आवाज़ चंगी ते ना शकल चंगी ते ना रंग चंगा, ते हजूर इहनू भी कदे किसे प्यार कीता है? आपने फरमाया मैनूं पता कां नाल प्यार ते कोई नहीं करदा, पर मैं सुनिया कव्वे की उम्र बड़ी लंबी होंदी है। उलमा फरमाते ने कव्वे की उम्र 500 साल तो भी ज्यादा होंदी है। आपने फरमाया मैं कावा नाल प्यार करना, यह हर वेले मेरे बनेरे ते बैठे रहन, होर किसे दिन मेरे बनेरे वह भी कां आके बह जाए जिन्हें मुहम्मद की जियारत की होवे। उड़ीकां वालियां दे रंग ही वखरे होंदे, जिन्हां नूं उड़ीक होवे ना माहे दी। कारी साहब मैनूं कह रहे ओ शेर पढ़ो, पर मैं तुहानूं अपनी मर्जी दा सुनावां, चलो तुसीं नहीं बोले फिर कदे सुना लवांगे। नहीं सुभान अल्लाह बंदी नाल दे बंदे नाल मशवरा कर लो, ते जे बंदी है तो रो सुभान अल्लाह। मैं रहीम यार खां गया ते मैं रोंद ना मारू, वो एक दूसरे नूं पुछण लग पिया रोंद की हुंदा, ते तुहानूं ते पता तुसीं मारदे रहिंदे हो, रोंद ना मारो तू चा बोलो सुभान अल्लाह। हुण कारी साहब मदीने वाले मेरे नबी दी राह उड़ीकदे ते पब्बां पार खलो के ना उच्चे, दम दम जान लब्बां ते आवे छोड़ हवेली तन दी, खली उड़ीके मत हुण आवे किधरों वास जन दी। उड़ीकां वाले ते कहिंदे ने किधरों हवा ही आ जाए जिहड़ी यार नूं लग के आ जाए, किधरों हवा ही आ जाए जिहड़ी माही नूं लग के आ जाए। उड़ीकां वाले दे रंग वखरे हुंदे ने, नाले मदीने वाले उड़ीकां पे करदे नाले आवाज़ां मारदे ने, अर्दा पे कर देने याद तेरी दा मदीवा वालिया, याद तेरी दा मदीवा वालिया, याद तेरी दा मदीवा वालिया, आवी जा पल्ले ज़ुल्फ़ा। मेरा ख्याल है तुसी इशा दी नमाज तो लेके रात दे 3 बजे तक बैठे हो, ना तुसी लंगर खान आए हो, ना तुसी इत्थे नींद पूरी करन आए हो, ना तुसी इन्हां सियालवी बरादरां नूं अपना चेहरा विखावन आए हो। इक्को ही काम आया कि याद तेरी दा दीवा वाले। सारे ना मेरा तकाजा नहीं, जिन्होंने पता ना कि मैं दीवा नबी पाक दी यादां दा बाल के बैठा, ते जिन्होंने पता लगता जा मैं मस्जिद बहारे मदीना च नहीं बैठा, मैं मस्जिद नबी च बह के ते नबी पाक दे गुंबद खिदरा वल इंज पिया वेखना जिवें सवाली सवाल करके सखी दे चेहरे वल वेखदा है। जिन्हों लगता ना मैं नबी पाक दे दीदार दी खैरात मंगन आया, वो अखियां बंद कर लवे ते हाथ बुलंद कर लवे। अज हाथ इंज नहीं बई, इंज करके जिवें साइल दा कटोरा नहीं होंदा, इंज हाथ सारे बुलंद करो ते सारे मिलके पढ़िए आवी जा बल्ले ज़ुल्फ़ा वाले आओ, ए ज़ुल्फ़ा वाले हुन आवी जा ज़ुल्फ़ां वालिया, आवी आवी
दिले दो तुझ बिन मैं किस कारी आवी जा बल्ले जुल्मा वाले आने आवी जा बल्ले जुल्मा इंज नहीं भाई हाथ खड़े करके लहरा के ते रोके अरदा करो नाले कहो कमली वाले आओ साडे कोल सिद्ध कबू बकर वरगा नहीं साडे कोल अदलिया मर वरगा नहीं साडे कोल हया उस्मान वाली नहीं साडे कोल सुजा अली वाली नहीं साडा इश्क बीबी लाल वरगा नहीं साडी उनीक भी वैस वाली नहीं पर जे कदी आ जाए तेरा जादा कुछ नहीं साडा कम बन जाई ते मिल के कहिए आवी जा नहीं भाई नहीं जिनों डी कने ओ बोले आवी जा बल्ले जुल्फा वाले आ सवार चढ़ी कोठे ते मैं उतरी सवारी हुन ते आ जाओ मेरे महबूबा तू जित्यो ते मैं हारी आवी जा बल्ले जुल्फा आवी जा बल्ले जुल्फा नौजवान इधर उड़ी कांबे कर देने शोर मचिया हजूर आ गए हजूर शोर मचिया सारे मदीने वाले ऐसा कितने ने हजूर ते आवाज़ ते नारे आ रहे फजा अ मुहम्मद फजा अ रसूलुल्लाह हजूर आ गए हुण मदीने वाले नबी पाक नूं वेख्या नहीं सी जद करीब आए ते वेख हैरान रह गए असीं एक पे उड़ीकदे सां दो पे आउंदे ने ओ दो कौन ने एक खुदा दा यार है ते एक खुदा दे यार दा यार है हुण मदीने वाले नूं पता ना लगे ना च नबी केड़ा ते अबू बकर केड़ा क्योंकि दोवां दी दस्तार एक जैसी गुफ्तार एक जैसी किरदार एक जैसा रफ्तार एक जैसी लिबास एक जैसा नशिस्त बरखास्त एक जैसी हुण पता ना लगे नबी केड़ा ते सिद्दीक केड़ा पढ़े लिखे नौजवान हो सकता कोई नौजवान उठ के सवाल कर लवे आसी साहब उन्हां नूं पता क्यों ना लगा ते आओ मैं तुहानूं तसव्वुफ दा एक नुकता अर्ज कर जावां मैं नक्शबंदी हां साढ़े अलहमदुल्ला नक्शबंदिया के पेशवा मुजद्दीन के पेशवा हजरत सैयदना इमाम रब्बानी कंदील नूरानी हजरत सैयदना शेख अहमद सरहंदी हजरत सैयदना मुजद्दिद अलिफ सानी रदी अल्लाह तआला आप दे मुर्शिद कामिल हजरत ख्वाजा मुहम्मद बाकी बिल्ला सरकार ओ बाकी बिल्ला जिन्हां दे मुरीद ने एक दिन पूछया हजूर तुहाडा नाम बाकी बिल्ला है बाकी किनूं कहंदे ने ते फानी किनूं कहंदे ने फरमा जिहड़ा मेरा जनाजा पढ़ान आवे उहदे कोलों पुछ लवे ते नाल फरमा मेरा जनाजा कोई ना पढ़ावे कोई आवेगा पढ़ान वाला जदों हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला दे जनाजे दीआं कितारां दुरुस्त होईआं ना ते लोग इंतजार कर रहे एक सवारी ते सवार आया उहदे चेहरे ते नकाब है वह आके मुसल्ले ते खलो के जनाजा पढ़ा के टुर पिया वह मुरीद ने जाके कदम फड़ ले जाके कहन लगा लजपाला दस्सिआ जे फानी किनूं कहिंदे ने बाकी किनूं आखदे ने उन्हें अपने चेहरे तो नकाब हटाया मुरीद वेखे हैरान रह गया जिदा जनाजा पढ़िया वह भी बाकी बिल्ला जिन्हें जनाजा पढ़ाया वह भी बाकी बिल्ला फरमाया समझ नहीं आई ते सुन ले फानी ओ भी आई बाकी आ भी आ जांदा ओ ख्वाजा बाकी बिल्ला ओ ख्वाजा बाकी बिल्ला दे घर आ गए मेहमान घर मेहमान आ गए घर में खावन ली कुछ नहीं घर के सामने तंदूर वाले की दुकान उन्हें ख्याल आया दरवेश के घर मेहमान ज्यादा आ गए ने मैं थोड़ी रोटियां भेजा उन्हें रोटियां का तबाक भर के ना ते निहारी बना के ना सालन ते ख्वाजा साहब के घर भेजे आपने वो सालन ते रोटी मेहमानों खिलाई मेहमान चले गए थे आप उठ के तंदूर वाले की दुकान पर आए
ते फरमाया जब मेरी ते बड़ी लाज रखी आ ते मंग जो मंगना है। वो दरवेशा नाल प्यार करन वाला सी, कहन लगा बाबा जी दुआ ही करिया जे, आ तुहाडी दुआ दे सदके रब सारा कुछ दिता है। आपने फरमाया नहीं, फकीर दी मौज कुछ मंग लै। उन्हें फिर अर्ज की, नहीं हजूर दुआ ही फरमाया जी। फरमाया चलिया फकीर दी मौज ही कुछ मंग लै। वो तो हो गया सीधा, तो कह लगा मैं लगा जे मंगन। फरमाया मंगना, आखे मंगन लगा जे। फरमाया मंगना, कह लगा जे कुछ देना तो मैनू भी बाकी बिल्ला ही बना दियो। फरमाया बंदे दा पुत्र बन, बाकी बिल्ला बनना कोई सौखा काम है। फरमाया मेरी जिंदगी दी रातां मुसल्ले ते गुजर गई। उन्हें अर्ज की, सोनिया मैं सुनिया करीम ओनू कहंदे ने जिहड़ा दे के लवे ना, ते तेरे जिहा करीम मैं वेख्या कोई नहीं। हुण लबां चों कढ़िया जे के मंग ते मैं मंगिया ते दिओ। खाजा बाकी बिल्ला ओनू पकड़िया ते हुजरे च लै गए। हुजरे दा दरवाजा बंद कर लिया। तीन दिन दरवाजा बंद रहा, तो अल्लाह हू दियां सदावां आउंदियां रहियां। तीन दिन के बाद दरवाजा खुलिया, ते वेखण वाले कहंदे ने पता ही ना लगे तंदूर वाला केड़ा है ते वाकई बिल्ला केड़ा है। एक ही निशानी है, तंदूर वाला बेहोश है ते खाजा बाकी बिल्ला होश च। क्यों? तंदूर वाले कोल बाकी बिल्ला बन के और रहमत ही बर्दाश्त ना होइयां जिहड़ियां रब बाकी बिल्ला ते बरसांदा है। खानपुर वाले पता लग गया तीन रातां बाकी बिल्ला नाल गुजारे, बाकी बिल्ला बन जांदा है। अबू बकर जद तीन रात घर च नबी नाल गुजार के मदीने आए, मदीने वालों नूं पता ही ना लगे नबी केड़ा सिद्दीक केड़ा है। कोई अबू बकर दे हाथ चमदा है, कोई नबी दे कदम चमदा है। सिद्दीक अकबर ने वेख्या इत्थे मैनूं नबी समझी बैठे ने, इश्क ने कबूल ना कीता। अपनी चादर लै के नबी ते साया करके खलो गए। फरमाया लोगो केड़े भुले खिज पै गए हो, नबी ते आ बैठा जे मैं ते गुलाम आ। ये वखरी गल है, कोल रख रख के यार ने रंग अपना ही चढ़ा लिया। कोल रख रख के यार ने रंग ही अपना चढ़ा लिया। आ वेख उन्हों वेखण वाले दा की हाल होंदा है, जिहड़े उन्हों वेख लैंदे ने ना फिर पता ही नहीं लगदा ए ओ वेख के ओ नहीं समझे। तो मैं होर आसान कर देना। ए सवेरे पानी का एक कतरा लैके ना तो किसी नहर या दरिया से जायो, पानी का कतरा नहर या दरिया च सटियो, फिर उन्होंने दोबारा बाहर निकालियो। निकलेगा? क्यों? क्योंकि छोटा जहा कतरा पानी तो फना हो गया, दरिया तो फना हो गया। तो दरिया ने आख्या तू तो छोटा जहा होके मेरे तो फना होने लगा है, तो मैं तेन कोई फना होने देना है? आ जा तो मेरे ना रल जा, मैं तेनों भी दरिया बना के नाल ही ला चला है ना। दुध में पानी पा लीए, पा ना दो किधरे। मैं मिसाल देन लगा, वो पुराना जमाना सी दुध में पानी पाते सब, हम पानी जी थोड़ा जा दुध पा लेंगे। कहते ना लस्सी तबीयत लई बड़ी चंगी होंदी है, पर जब दुध में पानी पा दईए तो जेड़े रेट ते दुध विकदा है उसे रेट से पानी भी बिक जाता है ना। क्योंकि चंगे दे लड़ लग गए। पानी का एक कतरा जदों दरिया च सटीए तो फना नहीं होता, वह दरिया बन जाता है। सिद्दीक अकबर जो मुहम्मद तो फना हो गए ना, तो मेरे नबी फरमाया तू मेरे तो फना हो चलिया, तो मैं को तेन फना होने देना है। आज गुंबद खिजरा च कट्ठे लेटिए, जदों फरिश्ते मेरे ते दरूद पढ़न आया करनगे, सलाम तेरे ते भी पढ़ के जाया करनगे। मियाँ साहब फरमांद ने वाह वाह भागत इन्हां दे जिन्हां दिल पर कोल बसेरा, जिउंदियां भी वह जून इकट्ठे ते मोयां भी इक डेरा। मैं इन्हें जो भी पढ़िया करना, कौन कोई मैं कोई नहीं अड़ियो, एक कौन कोई मैं कोई नहीं अड़ियो, ते कौन कोई मैं कोई जिस दे नाल मैं प्रीत लगाई,
ते आप ओहो जई हो मैं गल वेखन की शुरू की सी रब भी उन्हों वेखद आशिक भी उन्होंने ही वेखते हैं तो जरा उन्होंने वेख लवे वो ते रंग इंज का चढ़ता है कि फिर वो किसी को वेखता ही नहीं जरा उस माही ने वेख लवे फिर किसी को वेखता ही नहीं। खानपुर के नौजवानों सारी रात महफल च बैठे रहे हो खाली ना जाया जे अज हर नौजवान का दिल करता मैं सोहना हो जावा मैं गोरा हो जावा बेटे मेरे बच्चे चुप करके बैठो मैं तकरीर कर रहा मैंने पता तो फरमाइशा पूरा साल भी नहीं मुकनिया मेरा पुत्र जो जो तुसा सुने सारा मैं ही बयान किया अल्हम्दुलिल्लाह मगर बेटा एक तकरीर च सारा कुछ बयान तो नहीं ना हो सकता सच्ची दसो जो मैं सुना रहा यह नहीं चंगा हजूर के जिक्र नालों चंगा की हो सकता मेरे बेटे है सुनो हर नौजवान का दिल करता मैं गोरा हो जावा सोहना हो जावा मैं खानपुर की गली चो गुजरा तो लोग कहना मुंडा बड़ा सोहना फिर चेहरे ते फिशल भी कराते पालिश भी कराते करीमा भी लगाते क्यों मैं सोहना हो जावा मिंबर रसूल से बह के मिंबर वाले की कसम उठा के कहना तुसी अपने चेहरे ते लखां रुपये लगा लो होरे कोई ना वेखे तो अपने चेहरे ते मुहम्मद का रंग चढ़ा तेनों कोई ना वेखे मुहम्मद का रब वेखे ही वेखे स्कूल का पेपर हो ना तो बच्चा नकल मारता फड़िया जाए तो टीचर उस बच्चे का पेपर खो के उपर लिख देता बच्चा फेल हो गया क्यों ये नकल मारता फड़िया गया मालूम होया जिहड़ा कब दुनिया के इम्तिहान नकल मारता फड़िया जाए वो फेल हो जाता है पर जिहड़ा कबर के इम्तिहान कमली वाले की नकल मारता फड़िया जाए वो पास हो जाता है। इस माफल का सबक ये नकल कमली वाले दी मार के जायो एडा सोहना है कि उस सोहने दी नकल तो मार के कदे वे तेरे जा सोहना जग च कोई ना मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अल्लाह ने हुसन अता कीता कि जग भी ओनू ही वेखदा ते रब भी ओनू ही वेखदा है तो क्यों ना फिर उस सोहने दी नकल मारिए जे तुहानू हुसन नाल प्यार है फिर ओदे नाल प्यार करो ना जिहदे वर्गा हसीन रब ने बनाया है कोई नहीं ये तुहानू मुस्तफा दी जात अकदस नाल बस सिर्फ नारियां दी हद तक प्यार नहीं करना जिन्हें माफा ते आयो ना सवेरे कजे फजर दी नमाज वेले भी इन्हें आ जाओ तो गल वल बन जाए कदे फजर दी नमाज वेले इन्हें आ जाओ तो यकीन करो गल वल बन जाए क्या मतलब मुस्तफा नू चेहरा विखाना कई बेली कहंदे ने असी साहिब मेरा नमाज पढ़न दिल ते बड़ा कर दे मैं कोशिश भी बड़ी करना पर पढ़ी नहीं जाती मैं नमाजी नहीं बन सकता को कुलिया दसो तो दसा आसान जा कुलिया नमाजी बनन दा ते कुलिया मेरा नहीं ये बड़े 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 बाबियां दा कुलिया जेड़ा चाहता मैं पांच वक्त दा नमाजी हो जावा ओ हर वक्त बा वुज़ू रिया कर यानी जो ही वाशरूम जाओ वुज़ू करके बाहर आओ दिन च जिन्नी बार भी जाओ वुज़ू कर दिया कोई टाइम नहीं लगता दो या तीन मिनट लगते क्यों ही वाशरूम जाओ वुजू करके बाहर आओ एक तो शैतान तेरे करीब नहीं आ सकेगा। मेरे नबी ने फरमाया जड़ा बा वुजू सो जाए रात नो अख खुले करवट बदले फरमाया उस वेले जड़ी दुआ करे रब कबूल फरमा लेता है। बा वुजू रहंदियां इतनियां बरकतां नौजवान नमाज इस वास्ते भी नहीं पढ़ते कि वुजू करना पैना ते जद पहले ही वजू होवे अजान भी होवे फिर अंदरू जमीर की आवाज आउंदी है चलिया वेला भी है वजू भी है ते पढ़ ले ठीक है लिहाजा जिवें माफा ते आयो इवें नमाज पढ़न भी आया करो। मैं अज दी इंतजामिया नूं मुबारकबाद पेश करना अलामा हैदरी साहब ने भी आख्या दूसरे दोस्तों में फरमाशा